नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी का जो सीनियर असिस्टेंट जनरल का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे उसमें कौन से क्वेश्चन आए थे और तथा उनके आंसर्स का एनालिसिस भी करेंगे। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव सीन इन द एग्ज़ाम, दैट वॉज विच इज़ द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ मालाबार कोस्ट लाइन। देखिए, मालाबार कोस्ट लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एक अभी ट्राई लेटरल नेवल एक्सरसाइज हुई थी जो किसके बीच हुई थी, US, जापान एंड इंडिया के बीच होती है, जिसका स्टार्टअप 1992 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द भाखड़ा नागल डैम इज़ सिचुएटेड ऑन द विच रिवर। तो देखिए, जो भाखड़ा नागल डैम है वो सतलज नदी पर बनाया गया है और इसको जो है कंक्रीट से बनाया गया है, कंक्रीट, और इसको ग्रेविटी डैम भी कहते हैं। साथ साथ देखिए एक चीज़ और, जो भाखड़ा नागल डैम है वो जो है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइएस्ट पीक ऑफ इंडिया। देखिए, इस क्वेश्चन में जो है मैंने आज जो देखा है क्वेश्चन पेपर, उसमें उन लोगों ने ऑप्शंस इसी तरीके से दे रखे थे। ए ऑप्शन था कंचनजंगा, बी K2, इट इज़ नॉट K2। एज वी नो दैट द हाइएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज K2, बट द ऑप्शन आर K12, द सी इज माउंट एवरेस्ट। एज वी नो दैट माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल, नॉट इन इंडिया, सो ऑप्शन सी इज अप्रोक्सीमेटली रॉन्ग आंसर। अब बात करते हैं हम ऑप्शन ए की, तो कंचनजंगा इज द हाइएस्ट पीक ऑफ इंडिया इन द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 4, द नेम ऑफ बैटल खनवा वाज फॉट बिटवीन शेरशाह सूरी एंड बाबर। तो जो खनवा का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, तो खनवा का युद्ध शेरशाह सूरी और बाबर के बीच कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था, 1527 में। ठीक है, ओके। देखिए, हम जानते हैं कि बाबर के सिर्फ 4 ही युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध हुआ था 1526 पानीपत में, उसके बाद 1527 खनवा, 1528 और 1529, और 1530 में वो मर गया था बाबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच गुप्ता डायनेस्टी रूलर इज नोन एज महाराज धीराज। तो किसको कहते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इफ देर इज एनी अनशेड्यूल्ड कट ऑफ पावर सप्लाईज देन द गवर्नमेंट पे द कंपनसेशन। तो वो दिल्ली गवर्नमेंट क्या है, केजरीवाल सरकार ने, अगर अनशेड्यूल्ड पावर कट होता है तो क्या गवर्नमेंट उसको पे करेगी, कंपनसेशन देगी पीपल्स को, जो उसकी जनता है दिल्ली की उनको। क्योंकि क्या होता है ना, जब पावर सप्लाई कट होती है तो लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ऐसा एक डिसीजन लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द बैटल ऑफ कन्नौज वाज फॉट बिटवीन। देखिए, बैटल ऑफ कन्नौज जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, 1540, और कन्नौज है कहाँ है हमारा, ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में ही है कन्नौज। तो 1540 ईस्वी में बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी। तो बैटल ऑफ कन्नौज किस किस के बीच हुई थी देख लेते हैं। शेरशाह सूरी ने क्या है, हुमायूं को हराया था बैटल ऑफ कन्नौज में, तो शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था 1540 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच टीम विन द आईपीएल 2018। तो आईपीएल 2018 किसने जीता है, चेन्नई सुपर किंग ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट इज़ द टोटल डिफेंस बजट ऑफ इंडिया इन 2017-18, दैट वाज इज 262.392 बिलियन। देखिए, इस बजट के साथ जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में फिफ्थ नंबर का जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर बन गया है। तो सबसे ज़्यादा 5वें नंबर है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा ये क्या है, डिफेंस में अपना बजट लगा दिया इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द टू हु रिटन द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो देखिए, ये लिखा है
मोहम्मद इकबाल ने, और जो मोहम्मद इकबाल हैं वो हमारे फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं देखिए, और साथ साथ इनको जो है अलामा, अलामा के नाम से भी जाना जाता है। अलामा मीन्स होता है स्कॉलर, विद्वान, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी सी गलती हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये इसमें क्या हुआ है, ये ऑरेंज लिख दिया है गलती से, बट ये औरंग है, औरंग नेशनल पार्क। औरंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ असम, ये असम में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज चाइना। देखिए इंडिया जो है वो सेकंड हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द सेक्स रेशियो 879, तो वो कौन है, तो हरियाणा की सरकार, हरियाणा में है जो है जो सेक्स रेशियो वो 879 है, कितने पे, 1000 पे। तो देखिए 879 जो है वो लोएस्ट सेक्स रेशियो भी है, सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो हरियाणा का ही है 2011 की गणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हु वॉन द नेशनल प्रीमियर चेस चैम्पियनशिप 2017, तो चेस चैम्पियनशिप 2017 किसने जीती है, बाबू एम आर ललित ने। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII, तो ये एक्टर अनुपम खेर हैं, इनको चेयरमैन बनाया गया था अभी रिसेंटली जो इवेंट हुई थी गोवा में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हु इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन ऑल फॉर्म्स, ऑल फॉर्म्स मीन्स इन ODI क्रिकेट, टेस्ट मैच एंड T20, तो वह है एम मुरलीधरन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द आउटर हिमालय इज नोन एज, तो जो देखिए एक चीज़ बता देते हैं, जो टोटल हमारा हिमालय यानी कि माउंट एवरेस्ट पर्वत की बात चल रही है, जो हिमालय है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उनको, तो अपर हिमालय, मिडिल हिमालय और इनर हिमालय, और लोअर हिमालय और आउटर हिमालय। तो आउटर हिमालय को शिवालिक कहते हैं, तो शिवालिक में क्या है, जो मोस्टली हिल स्टेशन हैं अपने, जैसे कि अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपका आता है शिमला, कुल्लू मनाली, उत्तराखंड में बात करें हम तो उसमें आता है क्या, मसूरी, ये क्या है, सब शिवालिक रेंज पे ही हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929, तो 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 था, अकॉर्डिंग टू द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, हाउ मच पॉपुलेशन इज नेसेसरी टू मेक ऑल वेदर रोड टू द हिल एरियाज, तो कितने नंबर ऑफ पीपल और कितने लोग जरूरी हैं किसी गांव को शहर से ऑल वेदर कंडीशन रोड बनाने की, ऐसी रोड बनाने की जो सारे ही मौसम में टिके, क्योंकि हम जानते हैं जो पहाड़ी एरिया होते हैं जब वहाँ पर बरसात होती है तो वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, तो जिसकी वजह से रोड कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो उनकी रोड कनेक्ट ऐसा रोड बनाया जाए ताकि वो कभी ना टूटे, तो उसके लिए नंबर ऑफ कितने लोग होने चाहिए किसी गांव में, तो वो 250। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द संजय गोल्ड कप इज एसोसिएटेड टू विच गेम, तो वो फुटबॉल से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड एट, तो वो कहाँ हुई थी, सूरत में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, वेयर इज द फेमस दिलवारा टेम्पल सिचुएटेड, तो दिलवारा कहाँ है ये, दिलवारा जो है ये जैन टेम्पल है, जो हमारे जैन समुदाय के लोग हैं उनका मंदिर है, तो वो है राजस्थान में, राजस्थान के माउंट आबू में। देखिए माउंट आबू में एक और फेमस टेम्पल है, वो है हमारा ब्रह्मा कुमारीज का, वो भी माउंट आबू में ही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर का आखिरी शासक कौन था, वो था हमारा मोहम्मद बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ये थोड़े से 20 एक्चुअल में आज 30 क्वेश्चन थे जिसमें से 22 का मैंने यहाँ पे लिख कर दिया है, बट आई फॉरगेट 8 क्वेश्चन, बट डेफिनेटली आई विल अपलोड
when I recognize that. क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, रीजनिंग का है ये. तो देखिए ये सीरीज के क्वेश्चन थे, ये बिल्कुल डिक्टो सीरीज रखी हुई थी आज जो मैंने आपको बताई है, और यही सीरीज मैंने पढ़ाई भी थी अभी पीछे मेरी वीडियोस में, तो शायद आप लोगों को वहाँ से मिली होगी. देखिए पहला था 0, 2, 6, 12, 20, 30 एंड 42. सो देखिए अब 2 plus 2, 4, 2 plus 4, 6, 6 plus 6, 12, 12 plus 8, 20, 20 plus 10, 30, 30 plus 12, 42. So that is 42. Okay. The next, देखिए 24, 1, 4, 9, 16, 25, 36 and 49. So ये क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड सिमिलरली 7 का स्क्वायर 49. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25. ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है. देखिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस आपको उसकी कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए आपको एक तो रिलेशन पता होना चाहिए कि कोड कैसे किया गया है. जैसे मैं आपको बता देता हूँ, टाइगर को ऐसे कोड किया गया है, टाइगर को लिखा गया है टी आई जी आर को यू जी एच एफ एस. ठीक है, तो कोड लिखते हैं इनका, तो टी 20 पे आता है, आई 9 पे आता है, जी 7 पे आता है, ई 5 पे आता है, आर 18 पे आता है. सिमिलरली यू 21, जे 10, एच 8, एफ 6, एस 19. तो देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, एक्चुअल में 20 प्लस 1, तो कितना बनाता है, ये बनाता है आपका 21. सिमिलरली देखिए 9 प्लस 1, ये कितना बनाता है, 10. 9 प्लस 1 तो बनाता है 10. ठीक है, अगला देखिए 7 प्लस 1 तो 8 होता है, और सिमिलरली 5 प्लस 1 6 होता है, और 18 प्लस 1 19 हो जाता है. इसी तरीके से रैबिट को भी इन्होंने क्या किया है, देखिए रैबिट का होता है आर 18 पे आता है, ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, आई 9 पे आता है, और टी 20 पे आता है. तो सिमिलरली इन्होंने क्या करा है, देखिए 18 प्लस 1 19, 1 प्लस 1 इट इज़ 2, 2 प्लस 3 इज़ 3, 9 प्लus 1 it is 10, एंड 20 प्लस 1 इट इज़ 21. सो एस बी सी जे यू, ये इसका कोड हो गया. क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. तो देखिए ये एस सी एफ का क्वेश्चन था, तो फाइंड द एस सी एफ ऑफ द 128 एंड 160. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है 128 एंड 160 के का कौन सा क्या होगा. तो देखिए देखते हैं कि किस किस से ये फैक्टर मतलब डिवाइड हो रहा है 128 एंड 160. 4 से हो रहा है, यस. 4 से 12, 4 से 8, यस डिवाइड हो रहा है, दोनों हो रहे हैं. बी ऑप्शन देखते हैं, 8, 8 से डिवाइड हो रहा है 128, यस इट इज़ हो रहा है ये भी. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन में सी से चेक करते हैं. तो सी से देखिए 16 से 120 डिवाइड हो रहा है, यस 8 टाइम्स जा रहा है ये, और ऐसे ही सिमिलरली 32 से भी जा रहा है. तो हाईएस्ट जो होगा एच सी एफ क्या होगा, वो 32 होगा, ना कि 16. क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द एलसीएम ऑफ 5, 35 एंड 55. तो इनका एलसीएम क्या होगा, 385. क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं. तो देखिए ये सिमिलरली एक क्वेश्चन था जो मुझे आज देखने को मिला है. तो अ सम ऑफ रुपी 5000 इज इन्वेस्टेड फॉर ए इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर 12 ईयर. फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट अर्न एट द लास्ट. सो ये पूछ रहे हैं कि 5000 रुपये को 9% ब्याज दर से 12 साल के लिए जमा कराने पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा. तो देखिए साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. तो प्रिंसिपल कितना था, 5000, टाइम रेट कितना है 9%, एंड टाइम कितना था 12/100. तो देखिए 2 जीरो 2 जीरो गए और 12 से तो 540 आ गया है. सॉल्यूशन करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये 540 आ गया है. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं.
shopkeeper has some books. He sells 40% books and still has 420 books. The originally he had how many books? तो पूछा है कि एक book seller के पास total जो है book थी, कुछ book थी, ठीक है, उसमें से उन्हें क्या 40% book क्या है बेच दी, और उसके बाद उसके पास 420 book बची हैं अभी. तो बताओ उसके पास actual में कितनी book थी. तो suppose he had x books, उसके पास suppose कीजिए कि x number of books थी. तो 100 minus 40 percent of x is equal to 420. So देखिए 100 minus 40 क्यों किया हमने, क्योंकि हमने 40% तो बेच दिए ना, तो 60% बची हैं. तो 60% of x, x मतलब total books जो थी, का 60% किसको represent करता है, 420 को. तो 60 बटे 100 गुना 100 x बराबर कितना आ गया 420. तो अब देखिए x को हमने यहीं रोक दिया है, और x बराबर क्या हो गया 420, 100 की हमने इधर मल्टीप्लाई कर दी है क्रॉस. तो 420 गुणा 100 बटे 60, तो ये दो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 7, ठीक है. अब आ गया 700. तो 700 टोटल नंबर ऑफ बुक्स के पास 700 थी इनिशियली. क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं. 30, अगर 30 की बात करें, तो इफ a माइनस बी बराबर 6 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी. ए बी की वैल्यू पूछी है. तो देखिए फॉर्मूला होता है 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर. तो अब जानते हैं हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू 80 है, 80 रख दी, माइनस के क्या करा हमने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट किया. तो 6 का स्क्वायर कितना है, 36. देखिए 2 यहाँ से आया तो कितना आ गया 80 माइनस 36 अपॉन 2, दैट इज 17. सो देखिए ये था आज के जो NCDC के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए उनका क्वेश्चंस का एनालिसिस. और आगे ही भी इसी तरह के एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए. थैंक यू गाइस.